अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी। कल हमने टाइप वन देखा था, तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी। कल हमने टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी में देखा था कि ये मास सेल थे और मास सेल के ऊपर क्या लगी होती थी, एंटीबॉडीज लगी होती थी। कौन सी? IgE। और इसके ऊपर आके कोई एंटीजन आके फिक्स होता था। मतलब आपका एंटीजन क्या था उसमें, वो फ्री था, फ्री मूव कर रहा था, लेकिन हमारा जो एंटीबॉडी थी वो फिक्स थी। ये देख रहे हैं आप, एंटीबॉडी क्या है? फिक्स्ड है, लेकिन एंटीजन क्या है? फ्रीली मूव कर रहा है और वो फ्रीली आके यहाँ पे इसके ऊपर कनेक्ट होता है। लेकिन आज डिफरेंट है। आज कैसे इसमें चेंजमेंट्स होगी? आज आपकी एंटीजन फिक्स होगा और एंटीबॉडी क्या होगी? फ्री होगी। अब लेट्स सपोज दैट इसमें क्या है कि ये सेल है और ये इन्फेक्टेड सेल है। क्या है? ये इन्फेक्टेड सेल है। तो इस इन्फेक्टेड सेल के ऊपर, मतलब जब कोई सेल इन्फेक्टेड होता है, जैसे कोई कैंसर सेल हो या कोई भी सेल इन्फेक्टेड हो, तो अपने ऊपर कोई ना कोई प्रोटीन शो करता है। अब ये प्रोटीन एज एंटीजन काम करेगी, एज एंटीजन। अब एंटीजन क्या है? फिक्स है। कोई भी सेल जब इन्फेक्ट होता है तो वो कोई ना कोई साइन जाहिर करता है कि मैं क्या हो चुका हूँ, इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। तो ये ऊपर क्या जाहिर करेगा? अपनी एंटीजन शो करेगा, एक 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 मार्क देगा कि हाँ मैं जो है इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। अब क्या आपकी IgG एंटीबॉडी, आपकी एंटीबॉडी IgG, अब ये फ्री है, ठीक है? अब पहले क्या थी? IgE फिक्स थी, एंटीजन फ्री था। अब आपकी क्या है? एंटीबॉडी क्या है? फ्री है, फ्री है। अब ये एंटीबॉडी यहाँ से आएगी और इसके ऊपर आके जुड़ जाएगी, इस तरह जुड़ गई। कौन से रीजन के जरिए जुड़ी है? ये कौन सा रीजन है एंटीबॉडी का? फैब रीजन। फैब रीजन है कि नहीं है? फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन। तो यहाँ पर आपकी एंटीबॉडी फ्री थी, जो एंटीजन थी वो फिक्स थी, उस पे आके फैब रीजन के जरिए, फैब रीजन किसका? एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी अपने फैब रीजन के जरिए उसके साथ आके फिक्स होगी। जैसे ही फिक्स होगी, इसके दूसरी तरफ कौन सा हिस्सा होता है? ये वाला फ्रेगमेंट कॉन्स्टेंट, याद है? FC रीजन होता था इसका। अब इस FC रीजन पे आके आपकी तीन चीजें जुड़ती है, डिफरेंट तीन चीजें। कौन कौन सी? या तो आपके मैक्रोफेज आके जुड़ेंगे, या तो आपका कंप्लीमेंट सिस्टम आके जुड़ेगा, या फिर आपके नेचुरल किलर सेल्स आके जुड़ेंगे। ये डिफरेंट, अगर आपका ये आके जुड़ेगा तो और फंक्शन होगा, ये आके जुड़ेगा तो और मैकेनिज्म होगा, ये आके जुड़ेगा तो और मैकेनिज्म होगा। इसकी बेस पर हम बोलते हैं कि आपकी हाइपरसेंसिटिविटी टाइप टू में तीन तरह की चीजें होती हैं। या तो होती है सेलुलर डिस्ट्रक्शन, सेलुलर डिस्ट्रक्शन, सेल तबाह हो जाता है, ठीक है, जो इन्फेक्टेड सेल होता है ये वाला। या तो हो जाती है आपकी इन्फ्लेमेशन, क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन। या आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी? या तो डिस्ट्रक्शन, या फिर इन्फ्लेमेशन, या फिर यहाँ पे आपकी हो जाएगी डिसफंक्शन, सेलुलर डिसफंक्शन। ये डिपेंड करता है कि ये इनमें से कौन सा इसके ऊपर आके जुड़ रहा है। यहाँ पर समझ आ गया चीज? पक्की बात है। मैं मजीद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको रिपीट करता हूँ मैं। क्या है कि जब कोई सेल इन्फेक्टेड होता है तो इन्फेक्टेड सेल अपने ऊपर कोई ना कोई एंटीजन शो कराता है, जिससे जहर होता है कि मैं जो है ना क्या हो चुका हूँ, इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। अब ये एंटीजन फिक्स है, एंटीबॉडी जो कि IgG है, आपकी टाइप टू और टाइप थ्री IgG मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स है, ठीक है? इनमें IgG इन्वॉल्व होती है। पहली में कौन सी इन्वॉल्व थी? IgE। टाइप टू और टाइप थ्री में IgG इन्वॉल्व होती है, या फिर बाज दफा IgM भी बोलते होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होती है? IgG इन्वॉल्व होती है। ये आएगी फैब रीजन के जरिए आपकी किसके साथ जुड़ जाएगी? एंटीजन के साथ जुड़ जाएगी। उधर से इसका जो FC रीजन है वो एक्टिव हो जाएगा। जब ये एक्टिव होगा, या तो इसके ऊपर मैक्रोफेज आके जुड़ जाएगा, या कंप्लीमेंट सिस्टम आके जुड़ेगा, या फिर नेचुरल किलर सेल्स आके जुड़ेंगे। तो उसके मुताबिक ये तीन फंक्शन करते हैं, या सेलुलर डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, सेल को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या फिर उस सेल में क्या करा देते हैं? इन्फ्लेमेशन, या फिर उस सेल की डिसफंक्शन, उसके फंक्शन में जो है ना वो प्रॉब्लम काज करा देंगे, उसके फंक्शन वो प्रॉपर काम तौर पर अपने फंक्शन वो नहीं कर पाएगा। तो ये ऊपर ऊपर तो समझ आ गया कि टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी की जो टाइप्स है, ये मतलब टाइप टू जो हाइपर सेंसिटिविटी है, इसमें बेसिकली होता क्या है। अब हम जरा डिटेल में इसको देखते हैं, ठीक है, कि ये तीन मैकेनिज्म किस तरह होते हैं, सेलुलर डिस्ट्रक्शन किस तरह होती है, ये सारी चीजें किस तरह होती है अलग अलग करके, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि सेलुलर डिस्ट्रक्शन किस तरह होगी। एक एक ये तीन मैकेनिज्म याद रख लें, सेलुलर डिस्ट्रक्शन होगी, या फिर इन्फ्लेमेशन होगी, या फिर सेलुलर डिसफंक्शन होगी। दूसरी चीज याद रखनी है, वो आपने कौन सी याद रखनी है? वो ये कि पहला या तो मैक्रोफेज आके जुड़ेगा, दूसरा या फिर कंप्लीमेंट सिस्टम आके जुड़ेगा, तीसरा या तो नेचुरल किलर सेल्स आके जुड़ेंगे। तीन बातें ये याद कर लें, और तीन बातें वो वाली डिस्ट्रक्शन,
इन्फ्लेमेशन और डिसफंक्शन। ये आपको बातें याद हो गई तो क्लियर हो जाएगा। हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं डिस्ट्रक्शन, उसमें हम इन तीनों को देखेंगे, फिर इन्फ्लेमेशन, उसमें तीनों को देखेंगे, फिर पढ़ेंगे डिस्फंक्शन, फिर इन तीनों को देखेंगे और उनके एग्जाम्पल भी एक एक करके देखते जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। डिस्ट्रक्शन में क्या होता है कि यही कि कोई सेल है, ठीक है, उसके ऊपर कोई एंटीजन थी, आप उधर से हमारी जो है ना वो आईजीजी आएगी, वो जब इसको देखेगी कि यहाँ पर एंटीजन फिक्स है तो आईजीजी फ्री होगी, वो आके इसके ऊपर जोड़ जाएगी फैब रीजन के जरिए, इसका एफसी पोर्शन क्या होगा, फ्री और एक्टिव होगा। अब अगर इसके ऊपर आके जुड़ता है मैक्रोफेज, क्या आके जुड़ता है, मैक्रोफेज कौन सी साइड पे आके जुड़ता था, एफसी रीजन पर। मैक्रोफेज यहाँ पे आके जुड़ेगा, जब मैक्रोफेज जुड़ेगा तो मैक्रोफेज क्या हो जाएगा आपका, ये उसके जैम के तौर पर काम करेगा, मैक्रोफेज के लिए जैम के तौर पर। हाँ, इस ब्रेड के ऊपर जैम लगा हुआ, मैंने इसको खाना है, मैंने इसको ईट करना है, तो वह इसको क्या कर लेगा, इंगल्फ कर लेगा, तो सारे को क्या कर लेगा अपने अंदर इंगल्फ कर लेगा, फेगोसाइटोसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फेगोसाइटोसिस। तो अगर एफसी रीजन पर आपका क्या लगता है, मैक्रोफेज, तो क्या हो जाएगी, फेगोसाइटोसिस। या फिर आपका यही मैक्रोफेज एक और फंक्शन किरदार अदा करता है, वो क्या, कि अक्सर का तो ये उसको फेगोसाइट कर लेता है, खा लेता है, लेकिन बाद दफा ये क्या करता है कि यहां से अपने एंजाइम सीक्रेट कर देगा बाहर, अपने एंजाइम्स यहां से बाहर सीक्रेट कर देगा। ये जो एंजाइम्स बाहर आते हैं, ये एंजाइम फिर इसी सेल के ऊपर एक्ट करते हैं और इसकी क्या कर देते हैं, किलिंग कर देते हैं, इसकी क्या कर देते हैं, किलिंग। तो मैक्रोफेज भी दो चीजें कर रहा है, पहली चीज ये कि या तो उसको इंगल्फ कर लेगा, फेगोसाइट कर लेगा, या फिर क्या करेगा, अपने एंजाइम्स ही बाहर सीक्रेट कर देगा, वो एंजाइम जाके इसकी किलिंग कर देगा, ठीक है। बेसिकली ये भी एक किस्म की फेगोसाइटोसिस है, एक है इंट्रासेलुलर फेगोसाइटोसिस, एक है एक्स्ट्रासेलुलर, मतलब एक अपने अंदर उसको फेगोसाइट करके किल करेगा इन एंजाइम की मदद से, और यहां पर क्या कर रहा है, एंजाइम बाहर सीक्रेट कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, किलिंग कर रहा है। तो ये सेल क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, किलिंग हो रही है सेल की। तो सेलुलर डिस्ट्रक्शन में पहली चीज क्या थी, मैक्रोफेज अगर बाइंड होता है, समझ आ गया। दूसरी चीज देखें हम लोग, अच्छा दूसरा क्या होता है, दूसरा आप यहां पे आपको क्या आके लगेगा, यहां पे आप कंप्लीमेंट सिस्टम आके लगेगा, आपको नजर आ रहा है यार, गुड। चलें जी, सेम वही चीज, सेल था, इसके ऊपर एंटीजन थी, तो ऊपर से क्या हुआ, यहां से कोई आईजीजी एंटीबॉडी जो कि बनी हुई थी फैब रीजन के जरिए आके जुड़ गई, पीछे से एफसी पोर्शन क्या हो गया, एक्टिव। मैक्रोफेज समझ आ गया था, अब हम उठाते हैं कंप्लीमेंट सिस्टम को। तो कंप्लीमेंट सिस्टम की C1 प्रोटीन याद है, C1 प्रोटीन आके जुड़ेगी, C1 प्रोटीएज एक्टिव हो जाएगा। जब C1 प्रोटीएज एक्टिव होता है तो आखिर में क्या जाके बनता था, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स याद है, मैक जाके बनता था, जिसमें हम कहते थे C5b, C6, C7, 8 और 9, ये सारी प्रोटीन मिल जाएंगे तो आपको क्या बन जाता था, मैक। तो मैक का काम क्या होता था, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का, कि ये इन्फेक्टेड सेल के ऊपर बैठ जाता था और उसमें क्या कर देता था, होल्स पोर कर देता था, और उन्हीं पोर्स के जरिए उसकी क्या हो जाती थी, साइटोलाइसिस। क्या हो जाती थी, साइटोलाइसिस, ये मैंने बताया हुआ है। साइटोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर क्या चले जाएंगे आपके बाहर, वाटर भी और इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपके जो है वो क्या हो चले जाएंगे बाहर, तो इस तरह इस सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये भी साइटोलाइसिस है, यानी सेल जो है ना लाइसिस होता है, लेकिन किसकी मदद से, उसमें पोर्स वगैरह होंगे, ठीक है, तो उसकी मदद से क्या हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी। पहले हमने मैक्रोफेज देखा, मैक्रोफेज जुड़ता है तो फिर भी डिस्ट्रक्शन हो रही है, कंप्लीमेंट जुड़ रहा है तो फिर भी डिस्ट्रक्शन हो रही है। अब हम नेचुरल किलर सेल्स देखते हैं, ये समझ आ गया, कंप्लीमेंट सिस्टम पक्की बात है, यान समझ आ गया डॉक्टर यान। चलें जी आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है, बहुत आसान है। नेचुरल किलर सेल्स आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, आज ये चीजें पिछले रिपीट हो रही है, आपको चीजें पहले से पता है, ठीक है। ये देखें फिर से कोई इन्फेक्टेड सेल, उसके ऊपर क्या है, कोई मतलब आपकी एंटीजन लगी हुई है, तो आईजीजी एंटीबॉडी आएगी फैब रीजन के जरिए इसके साथ जुड़ जाएगी, पीछे से एफसी पोर्शन एक्टिव हो जाएगा। तो याद करें हमने कहा था कि जो कैंसर सेल होते हैं पहले वो कैसे मरते हैं, एमएससी क्लास 1 के जरिए, उसकी साइटोटॉक्सिक किलिंग होती थी, एमएससी क्लास 1 के जरिए एंटीजन एक्सप्रेस होती थी, CD8 सेल्स जो है ना एक्टिव होते थे, CD8 पॉजिटिव सेल्स, फिर वो ग्रे एंजाइम्स और वो उस तरह किलिंग करते थे। लेकिन हमने कहा था कि बाज दफा कैंसर सेल क्या करते हैं कि एमएससी क्लास शो नहीं होने देते, जब वो शो नहीं होने देते तो हमारे पास इनको मारने का एक दूसरा तरीका होता है, नेचुरल किलर सेल्स। याद है कि नेचुरल किलर सेल्स यहां से आते थे, और नेचुरल किलर सेल्स हमने कहा था कि आईजीजी क्या करती है, जो प्रोटीन ये शो कराते थे उस प्रोटीन के ऊपर इन्फेक्टेड सेल यानी कैंसर सेल के ऊपर जाकर जुड़ जाती थी आईजीजी, और इसका एफसी पोर्शन के ऊपर हमने कहा था नेचुरल किलर सेल्स बाइंड करते हैं, लेकिन किसके जरिए, CD16 के जरिए। वेरी गुड वेरी गुड, तो CD16 के जरिए ये जुड़ जाएगा, जब जुड़ेगा नेचुरल किलर सेल्स क्या हो जाएंगे,
एक्टिव। जब ये एक्टिव हो जाते थे तो ये क्या सीक्रेट करते थे, ग्रेनजाइम्स और परफोरिंस, वो जाके इसकी क्या कर देते थे, किलिंग। तो इस तरह इन्फेक्टेड सेल की क्या हो जाती है, किलिंग। तो ये हमने पढ़ा डिस्ट्रक्शन की, डिस्ट्रक्शन किस तरह होती है। समझ आ गई है, पक्की बात है, ये आपको सेलुलर डिस्ट्रक्शन समझ आ गया कि टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी हो जाए तो इसमें डिस्ट्रक्शन किस तरह होती है। या तो मैक्रोफेज आके जुड़ेगा, इंगल्फ करेगा, या फिर आपका कंप्लीमेंट सिस्टम मैक के जरिए किलिंग करेगा, या फिर नेचुरल किलर सेल्स सेरोटॉक्सिसिटी करेगा, उसके जरिए क्या करेगा आपकी। तो ये देखिए, ये सारी क्या हो रही है, ये सेरोटॉक्सिसिटी हो रही है ना, उसकी सेरोटॉक्सिक किलिंग हो रही है। इसलिए टाइप 2 को क्या बोलते हैं, कि वो क्या होती है, उसकी सेरोटॉक्सिक किलिंग होती है। टाइप 2 की क्या होती है, सेरोटॉक्सिक किलिंग होती है। तो सेरोटॉक्सिक किलिंग यही होती है ना, कि किसी चीज की डिस्ट्रक्शन कर देना, किलिंग कर देना। तो इसमें सेरोटॉक्सिक किलिंग हो रही है, तो इसलिए टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी को सेरोटॉक्सिक किलिंग भी बोलते होते हैं। आई होप सो दैट कि आपको सेलुलर डिस्ट्रक्शन समझ आ गया होगा। या रिपीट करने की जरूरत है, डॉक्टर यान, डॉक्टर यान आ गया समझ, पक्की बात है। हाँ वेरी गुड, किसी चीज को ऐसे नहीं छोड़ना, कोई बात नहीं, अगर रिपीट करना हो तो मुझे बता दिया करें, इसमें शर्माना वरमाना नहीं है, ठीक है। हाँ तो चलें जी, अब इनके हम एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। अब एक बंदा था, अब हम पढ़ते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। एक बंदा था, उसको बी पॉजिटिव ब्लड था, कौन सा, अच्छा बी पॉजिटिव ब्लड का मतलब क्या होता है, कि उसके पास एंटीजन कौन सी है, बी। उसके बाद एंटीजन कौन सी है, बी। और उसके बाद एंटीबॉडी कौन सी है, एंटीबॉडी ए है, यानी कि उसके पास एंटीबॉडी कौन सी है, ए है। अब ये हमारे पास क्या था, एक पेशेंट था, क्या था, पेशेंट था। अब हम कहते हैं कि इस पेशेंट को जो है ना ब्लड नीड है, ठीक है, और हमने गलती से ब्लड चेक नहीं किया कि सेम ब्लड होना चाहिए, ब्लड क्रॉस नहीं कराया, हमने ए पॉजिटिव का बंदा जो है ना इसको ब्लड दे दिया। जो ए पॉजिटिव था उसके पास कौन सी आपकी एंटीजन थी, एंटीजन ए थी, कौन सी थी एंटीजन, और एंटीबॉडी कौन सी थी उसके पास, बी। एंटीबॉडी कौन सी थी, बी। अब ये डोनर था, ये कौन था, डोनर था। अब ये डोनर था और ये क्या था आपका, रेसिपिएंट था। अब हमने इसका ब्लड इसको दे दिया, जब हम इसका ब्लड इसको देंगे तो इसके अंदर ये वाली एंटीबॉडीज चली जाएंगी, ये वाली एंटीबॉडीज चली जाएंगी ना, ये वाली एंटीबॉडीज अंदर पहुंच चुकी है। अब ये जो ब्लड था, ये इस बंदे का जो पेशेंट है, जो कि रेसिपिएंट है, उसमें कौन सी एंटीजन है, उसमें एंटीजन बी है, उसमें कौन सी है, एंटीजन बी। अब एंटीजन बी होती कहां पे, एंटीजन बी होती कहां पे है, कि आरबीसी सेल होते हैं ना, आरबीसीज, तो आरबीसी सेल्स के ऊपर सरफेस पर क्या होती है, उसकी एंटीजन प्रेजेंट होती है। अब यहां पर इसकी एंटीजन कौन सी थी, बी थी, एंटीजन बी थी। इधर से ये कौन सी है, एंटीबॉडी बी। अब ये एंटीबॉडी बी जो होती है, ये आईजीजी होती है, कौन सी होती है, आईजीजी इसकी टाइप होती है। ये एक सेकंड में कलर चेंज कर लो, अब ये आईजीजी जाके इसके ऊपर बैठ के जुड़ जाएगी इस तरह, फैब रिजन के जरिए आपकी एंटीबॉडी एंटीजन बी के साथ जुड़ जाएगी। इसका एफसी पोर्शन क्या हो जाएगा, फ्री और एक्टिव, या तो इसके ऊपर मैक्रोफेज आके लगेगा, या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आके लगेगा, या नेचुरल किलर सेल, जो भी आके लगेगा, ये आपके जो आरबीसी है उनकी क्या कर देगा, किलिंग कर देगा। आरबीसी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय। तो इस तरह आपके ब्लड जो है ना वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, ठीक है। या तो ये वाली आके मरना शुरू कर देंगी, या फिर आपकी अपनी कौन सी एंटीबॉडीज थी, एंटीबॉडीज ए, जब ये देगा आपकी एंटीजन भी इसी तरह, डोनर की एंटीजन जाएंगी ना अंदर, जब डोनर की एंटीजन आएंगे तो ये एंटीबॉडी ए जो रेसिपिएंट की थी, ये बिल्कुल इनके आरबीसीज के ऊपर जाके बैठ जाएगी। बेसिकली ये मैकेनिज्म होता है, आरबीसीज के ऊपर ये लगी हुई थी, इसके ऊपर फैब्रिजन के जरिए जुड़ जाएगी, एफसी पोर्शन क्या हो जाएगा, एक्टिव। तो नेचुरल किलर सेल्स या फिर मैक्रोफेजेस या फिर कंप्लीमेंट सिस्टम जाके जुड़ेगा और इनकी क्या कर देगा, किलिंग कर देगा। नहीं समझ आया, समझ आ गया, नहीं समझ आया डॉक्टर जुबैर को, मैं रिपीट करता हूँ इसको, मैं रिपीट करता हूँ, इधर से रिपीट कर देता हूँ दोबारा, डायग्राम नहीं बट स्केच करता। देखिए, एक पेशेंट था, बी पॉजिटिव था, उसके पास एंटीजन थी, एंटीजन बी, और एंटीबॉडी ए थी, और हमने उसको ब्लड देना है, तो हमने क्रॉस मैच नहीं कराया, हमने ए पॉजिटिव उसको ब्लड दे दिया। जो ए पॉजिटिव था उसके पास एंटीजन कौन सी थी, ए, एंटीबॉडी कौन सी थी, बी। ये तो सिंपल कंसेप्ट है। जब हम देंगे तो उसकी ये जो सेल्स है उनके पास एंटीजन ए है। अब एंटीजन ए वाली जो है ना रेसिपिएंट के अंदर चली गई है, लेकिन रेसिपिएंट के पास कौन सी एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ए, और हमेशा सेम एंटीबॉडी सेम एंटीजन की क्या करती है, किलिंग करती है। तो दोनों एंटीबॉडी एंटीजन क्या हो गई, सेम हो गई, यानी इनका मिसमैच हो गया, दोनों सेम हो गई। तो जब आपकी ये जो एंटीबॉडी ए होती है, ये बेसिकली आईजीजी होती है, कौन सी होती है, ये जब देखेगी कि हाँ सेम चीज पहुंच चुकी है वहां पर, ये भाग के जाएगी और इसके ऊपर ऐसे जाके बैठ जाएगी फैब रीजन के जरिए। पीछे एफसी रीजन क्या हो जाएगा,
एक्टिव, जब एफसी रीजन एक्टिव होगा तो पीछे आपका या तो मैक्रोफेज आएगा या कम्प्लीमेंट सिस्टम आएगा या आपके नेचुरल किलर सेल जाएंगे, वो उसकी क्या कर देंगे, किलिंग कर देंगे, तो इस तरह उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अब बेसिकली ये एंटीजन की डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही बल्कि एंटीजन जिन आरबीसी सेल्स के ऊपर लगे हुए थे उन आरबीसी सेल्स की क्या हो रही है, डिस्ट्रक्शन। तो इस तरह हम जो उसको ब्लड देते हैं उसकी क्या हो जाती है, किलिंग, तो उल्टा वो उसको क्या रिएक्शन शो करा देता है। तो ये जो ब्लड की, एक सेकंड, जो ब्लड की सूरत में जो रिएक्शन शो होते हैं वो कौन से होते हैं, आपकी टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। तो समझ आ गई है कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो इसमें टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी हो सकती है। वो आरबीसी टूट जाएंगे तो रिएक्शन वगैरह शो हो जाएंगे, आरबीसी जाने आपके आरबीसी टूटना एनीमिया हो जाएगा, आपको एनीमिया सेम ही कंडीशन होगी, आपकी हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाएगा। डोनर को भी टूटेंगे और रेसिपिएंट दोनों के टूटेंगे? नहीं नहीं, रेसिपिएंट के अंदर सारा होगा ना, क्योंकि हमने ब्लड डोनर से उठा कर रेसिपिएंट के अंदर डाल दिया, तो डोनर को तो कोई मसला नहीं ना, उसने ब्लड अपना निकाल के दे दिया। अब जो डोनर का ब्लड हम रेसिपिएंट को देंगे उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें एंटीजन ए थी, वो एंटीबॉडी ए पड़ी हुई थी, उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। तो यही चीज अगर हम पेशेंट था ए पॉजिटिव और डोनर था बी पॉजिटिव, ये इसको देंगे वही सेम चीज, वाइस वर्सा उलट वाला प्रोसेस होगा। समझ आ गई है? तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इस तरह की टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस किसको आती है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस वो जो फीटस में होती है, ये एफएससी में भी एक वो था, एफएससी में अक्सर बच्चों को यह समझ नहीं आता, टॉपर्स को भी समझ नहीं आता, ऑलमोस्ट किसी को भी समझ नहीं आता। ये इसकी दूसरी एग्जांपल है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। मुझे तो इसका नाम पढ़ना नहीं आता था, पता है आपको, एफएससी में इरिथ्रोब्लास्टोसिस नाम में क्या रखा है, कंसेप्ट आना चाहिए, वेरी गुड। चलें जी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस में क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस में ये होता है कि जो अम्मी जान होती है ना वो आर एच नेगेटिव होती है। आर एच तो पढ़ा हुआ है ना आपने कि ये कोई कोई अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव होता है वो किसकी वजह से होता है, आर एच की वजह से होता है। अगर आर ऐसा किसी का ओ पॉजिटिव है मतलब उसके अंदर क्या है, आर एच प्रेजेंट है। अगर किसी का ए पॉजिटिव है मतलब उसके अंदर एंटीजन ए भी है और एंटीजन आर एच भी मौजूद है, तो वो ए पॉजिटिव होगा। अगर ए एच नेगेटिव है मतलब उसके पास एंटीजन ए तो है लेकिन आर एच फैक्टर उसके पास नहीं है, तो वो ए नेगेटिव होगा। समझ आ गई ये चीज? चलें जी, अब जो अमीजान थी वो क्या थी, आर एच नेगेटिव। उसके अंदर जो फीटस उसके पेट में था वो क्या था, आर एच पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, मतलब जो आर एच नेगेटिव थी मतलब इसके अंदर जो एंटीजन है वो नहीं है, एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी है। उलट होता है ना, उलट होता है ना, अगर एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी होगी, एंटीजन है तो एंटीबॉडी नहीं होगी, लेकिन जो बच्चा है उसमें एंटीजन है क्योंकि वो पॉजिटिव है, वो क्या है पॉजिटिव, उसमें एंटीजन है लेकिन उसमें एंटीबॉडी नहीं है। अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब ये होता है कि ये थी माँ थी, ठीक है, ये वो क्या है आर एच नेगेटिव है और बच्चा क्या है आर एच पॉजिटिव है। अब क्या होगा कि अमी जो मम्मा थी उसके पास आर एच नेगेटिव यानी उसके पास एंटीबॉडीज है, कौन सी, आई जी जी इसके खिलाफ, आर एच एंटीजन के खिलाफ उसके पास एंटीबॉडीज है। समझ आ रही है चीज, थोड़ी घुमाने वाली है लेकिन थोड़ा सा फोकस करें कि जो मम्मा थी वो आर एच नेगेटिव थी, वो क्या थी आर एच नेगेटिव, आर एच नेगेटिव का मतलब उनके पास एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी है, ठीक है। जो बच्चा था फीटस था वो आर एच पॉजिटिव है मतलब उसके पास एंटीजन है, एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है तो एंटीजन के ऊपर एक्ट नहीं करेगी, एंटीजन जिंदा रहेगी, उसके सेल्स आरबीसी जिंदा रहेंगे। लेकिन क्या होता है अगर माँ है आर एच नेगेटिव बच्चा है आर एच पॉजिटिव, ये अक्सर कजन मैरिज वाले सीन में ये चीजें हो जाती है बार बार। अच्छा इसमें क्या है, अब इसमें आर एच नेगेटिव जो है ना, अब इसकी जो ब्लड है आर एच मम्मा का जो ब्लड है वो प्लेसेंटा के जरिए क्रॉस करेगा, प्लेसेंटा के जरिए क्रॉस करके बच्चे में आएगा, जब बच्चे में आएगा तो इसका जो ब्लड था वो आर एच नेगेटिव था मतलब इसके पास एंटीबॉडीज थी, आई जी जी एंटीबॉडीज थी और बच्चे के पास क्या है एंटीजन है, किसके ऊपर, आरबीसीज के ऊपर, तो ये आरबीसीज के ऊपर एंटीजन लगी हुई है। जब आपकी यही आएगी क्या आएगी, आपकी आई जी जी एंटीबॉडी जो कि मम्मा से आई थी वो फीटस के ऊपर फैब एजेंट के जरिए अटैच हो जाएगी, एफ सी पोर्शन क्या हो जाएगा एक्टिव, तो या तो मैक्रोफेज आके जुड़ेगा या नेचुरल किलर सेल्स आके जुड़ेंगे या फिर आपका कंप्लीमेंट सिस्टम आके जुड़ेगा और इस आरबीसी की क्या कर देगा डिस्ट्रक्शन। तो इस तरह जो फीटस होता है उसको ब्लड की कमी हो जाती है, उसको एनीमिया हो जाता है। तो ये होती है आपकी इरिथ्रोब्लास्टोसिस। आई होप सो दैट आपको इरिथ्रोब्लास्टोसिस भी समझ आ गया होगा, ठीक है,
और ब्लड ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों होता है वो भी समझ आपको आ गया होगा। रिपीट करने की जरूरत है इसको, डॉक्टर अजान, डॉक्टर जुबैर, डॉक्टर मुस्तफा, हैं नजर आ रहा है आपको ये? डॉक्टर जान जरा आप इस साइड पे हो जाए, जरा डॉक्टर जुबैर आप भी इस साइड पे हो जाए, मैं इसको साफ कर दूं। तीसरी एग्जांपल देखते हैं इसकी, तीसरी एग्जांपल है इसकी ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया इसकी तीसरी एग्जांपल है। उसमें क्या होता है हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी हीमोलाइटिक का मतलब क्या होता है, आपके टूट फूट होगी, एनीमिया ब्लड की कमी हो जाएगी, ऑटो इम्यून मतलब आपकी अपनी ही वो जो है ना सेल्फ एंटीजन एंटीबॉडीज के खिलाफ बनेगी। अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें हम ड्रग्स लेते हैं मिथाइल डोपा, ठीक है, हमने कोई ड्रग ली मिथाइल डोपा, ड्रग ली हमने मिथाइल डोपा, हम पढ़ क्या रहे हैं ऑटो इम्यून, ये एग्जांपल हम देख रहे हैं ऑटो इम्यून, बल्कि ये लिखा हुआ है एक सेकेंड, ये लिखा हुआ है इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये देखें ये लिखा हुआ ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है कि हमने कोई ड्रग ली मिथाइल डोपा, अब मिथाइल डोपा ड्रग जैसा कि आपकी पेंसिलिन वगैरह हो गई, ठीक है, और पेंसिलिन के साथ क्विनिडीन वगैरह ड्रग्स जो है ना ये ड्रग्स हम जब लेते हैं तो ये अंदर गई, मिथाइल डोपा हमने ली, मिथाइल डोपा बाज दफा क्या करती है कि आपके आरबीसीज के ऊपर जाके जुड़ जाती है, आरबीसीज के ऊपर जाके बैठ जाती है यहाँ पर। अब ये जो आपने मिथाइल डोपा ड्रग ली है ये आरबीसीज के ऊपर जाके बैठ गई है तो वर्क करती है एज ए एंटीजन, एज ए एंटीजन। अब हमारी बॉडी कहती है ये जो एंटीजन इसके ऊपर आके लगा है ये मुझे लगता है ये क्या है, खतरनाक है, ये डेंजरस है, ये हार्मफुल एंटीजन है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, क्या बना लेती है, आई जी जी बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है, एंटीबॉडी जाएगी इसके ऊपर फाइब्रिनोजन के जरिए अटैच होगी, एफ सी पोर्शन क्या होगा एक्टिव, वही कंप्लीमेंट सिस्टम मैक्रोफेज या फिर आपका नेचुरल किलर सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, वो उसकी क्या कर देंगे किलिंग। तो इस तरह आरबीसी टूटेंगे तो उनकी क्या हो जाएगी एनीमिया, और टूटना हीमोलाइटिक ऑटोइम्यून क्यों, क्योंकि अपनी ही उसकी क्या अपनी ही आरबीसी के खिलाफ क्या बन रही है आपकी एंटीबॉडीज बन रही हैं, तो इस तरह क्या हो जाती है उसकी एनीमिया हो जाता है, इसे बोलते हैं ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। ये एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है, हाइपर सेंसिटिविटी एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है, आपका इम्यून सिस्टम सेंसिटिव हो जाएगा, हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा, ज्यादा सेंसिटिव। मिथाइल डोपा पेंसिलिन और क्विनिडीन जुड़ रहा है, ये बाज दफा हर मोस्टली नहीं बाज दफा जो पेशेंट सेंसिटिव होगा, जो पेशेंट सिर्फ सेंसिटिव होगा उसकी आरबीसीज के ऊपर जाके जुड़ जाएंगी, तो इसीलिए जो पेशेंट सेंसिटिव है उनको मिथाइल डोपा ड्रग्स हमने नहीं देनी, क्विनिडीन हमने नहीं देनी उसको, और हमने उसको जो है ना पेंसिलिन नहीं देनी, ठीक है, समझ आ गई है ये ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, वेरी गुड। उसके बाद है ट्रांसफ्यूजन, वो हो गया इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके प्लेटलेट होते हैं वो कम हो जाएंगे, कैसे, ये प्लेटलेट था, ठीक है, ये प्लेटलेट था, अब आपके प्लेटलेट के ऊपर होता है ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A, ये एंटीजन होती है, ये एक प्रोटीन होती है, ये इसकी सरफेस पर यहां पर मौजूद होती है, एक सेकेंड, अच्छा ये इसकी सरफेस पर क्या होती है मौजूद, ये प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A ये आपकी प्लेटलेट्स की सरफेस पर मौजूद होती है, नॉर्मली मौजूद होती है, लेकिन बाद जब हमारी बॉडी ऑटो इम्यून हो जाती है वो क्या करती है इन्हीं के अगेंस्ट क्या बना देती है आई जी जी बन जाएगी, ये एंटीबॉडी जाके इसी के साथ जुड़ती है, किसके जरिए फाइब्रिनोजन के जरिए, पीछे एफ सी पोर्शन एक्टिव, फिर वही मैक्रोफेज कंप्लीमेंट या फिर नेचुरल किलर सेल जाके इसकी क्या कर देते हैं किलिंग, तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, इसे बोलते हैं इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तब होता है जब आपके जो काउंट है आपके प्लेटलेट्स का काउंट वो 150,000 से 150,000 क्यूब से कम हो, इससे पर लीटर लीटर क्यूब से कम हो आपका, तो तब आपको हम क्या बोलते होते हैं इसको क्या हो गया इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। वैसे नॉर्मली ये क्या होता है, ये आपका कितना होता है, ये आपका होता है 150 से 400,000 तक, ठीक है, ये आपका नॉर्मल काउंट होता है आपके प्लेटलेट्स का, लेकिन अगर ये 150 से कम पड़ जाए तो हम उसको बोलते हैं इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, और यहाँ पर ये इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है क्योंकि हमारी अपनी बॉडी वो उनके खिलाफ क्या बना रही है एंटीबॉडीज बना रही है। समझ आ गई ये चीज, पक्की बात है। चले जी अगली जो एग्जांपल है, मेरे ख्याल में हम तमाम एग्जांपल्स देख लिए, हाँ एक और एग्जांपल है एसएलई एग्जांपल है सिस्टमिक लूपस
रिथमेटोसिस, ये भी उसकी एग्जांपल है। टाइप 1 हेपेटोसिस 2 की सेलुलर डिस्ट्रक्शन की एग्जांपल है एसएलई। अच्छा पता है एसएलई जो है ना सिर्फ ये ऑटोइम्यून सिस्टम जो है ना बाल दफा ये ड्रग की वजह से भी होता है। हमने हेड्रोलाजिन ड्रग ली, कौन सी हेड्रोलाजिन का काम क्या होता है, हमने प्रोकोनामाइड ड्रग ली, ठीक है प्रोकोनामाइड का काम क्या होता है, और हमने या फिर एसिनोजाइड ड्रग ली, ठीक है। ये हेड्रोलाजिन हम लेते हैं जब हाइपरटेंशन हो ना, हाई बीपी, तो बीपी को हम काम करने के लिए, हाई बीपी जब होता है उस कंडीशन में हम हेड्रोलाजिन लेते हैं, और प्रोकोनामाइड हम लेते हैं कि ये एरिथमिया वगैरह जब हो जाता है, हार्ट की जो है ना वो पंपिंग ठीक नहीं होती, एरिथमिया हो जाता है, और एसिनोजाइड हम टीबी की सूरत में लेते हैं। ये बस इतना देख लें कि ये जब ड्रग्स हम लेते हैं तो इन ड्रग्स की शक्ल में ये ड्रग्स एज ए एंटीजन काम करती हैं हमारे डीएनए के ऊपर, किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर एज ए एंटीजन काम करेंगी, आईजीजी बनेगी, आईजीजी जाके फैब्रिन के जुड़ेगी, पीछे एफसी पोर्शन एक्टिव होगा तो हमारा डीएनए डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से हमें क्या हो जाती है एसएलई। बेसिकली एसएलई में क्या होता है, आपका डीएनए प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और इसके टेस्ट भी होते हैं, एसएलई को हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे पैथोलॉजी में, तो ये एसएलई को डिटरमाइन करने के टेस्ट भी ही होते हैं कि हम उसकी डीएनए प्रोटीन चेक करते हैं, उसका डीएनए लेवल चेक करते हैं कि वो कितना डिस्ट्रॉय हो चुका है, और डीएनए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज चेक करते हैं। अगर डीएनए के अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज मिल गई है तो इट डज मीन दैट कि एसएलई हो चुका है। अच्छा आपने याद क्या रखना है, ये तो थे कंसेप्ट, आपने सिर्फ याद क्या रखना है कि सेलुलर डिस्ट्रक्शन क्या होती है, ठीक है, वो मैक्रोफेज कंप्लीमेंट और उनके जरिए होती है, किसके जरिए, नेचुरल किलर सेल्स के जरिए, ठीक है, और उसके बाद आपने इनकी सिर्फ एग्जांपल्स के नाम याद रखने हैं, ठीक है। ये ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस और एसएलई, ये आपने इनकी एग्जांपल्स याद रखनी है, ठीक है, इतना काफी है। रीडिंग में अगर देखें तो यहाँ देखें सेलुलर डिस्ट्रक्शन, सेल इज ऑप्शनाइज, सेल को ऑप्शनाइज कर लेते हैं, ठीक है, यानी मैक्रोफेज अगर एक्टिव होंगे तो बाई एंटीबॉडीज लीडिंग टू एदर फेगोसाइटोसिस और एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम, फेगोसाइटोसिस होगी तो किसके जरिए, मैक्रोफेज के जरिए, और अगर एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम या फिर नेचुरल किलर सेल किलिंग एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, इसको क्यों कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, हमने उसमें पढ़ा भी था नेचुरल किलर सेल्स के फंक्शन में, क्यों कहते हैं इसको, नाम पे गौर करें, एंटीबॉडी डिपेंडेंट, एंटीबॉडी डिपेंडेंट यहाँ पे आंसर छुपा हुआ है। किलिंग कैसे हो रही है, किलिंग कैसे हो रही है, ये इन्फेक्टेड सेल है, इसके ऊपर एंटीजन है, एंटीबॉडी आके लगती है उसका एफसी पोर्शन पे, आपका नेचुरल किलर सेल आके लगता है, तब जाके किलिंग होती है। क्यों इसको एंटीबॉडी डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, ये देखिए एंटीबॉडी के जरिए ही उसकी किलिंग हो रही है, अगर एंटीबॉडी ना हो तो किलिंग नहीं होगी, तो ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट इसकी किलिंग हो रही है, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी। आई होप सो दैट कि आपको सेलुलर डिस्ट्रक्शन समझ आ गया होगा। दूसरा कौन सा था, दूसरा था इन्फ्लेमेशन। तो अब हम इन्फ्लेमेशन देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन कैसे होती है, ठीक है, सेम चीज है, बस थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क क्या है उसमें, कंप्लीमेंट देखें, ये इन्फेक्टेड सेल था, इसके ऊपर एंटीजन है, आईजीजी इसके खिलाफ बनेगी, आके फैब्रिजन के जरिए एफसी क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट सिस्टम आके जुड़ेगा, यहां पर कंप्लीमेंट सिस्टम आके लगेगा, ठीक है। जब कंप्लीमेंट सिस्टम आके लगेगा तो याद करें जरा, कंप्लीमेंट सिस्टम एक बनता था C5A प्रोटीन, ये बनती थी C5A, और C5A का काम क्या होता है, ये चीज मैं बार बार बता चुका हूं डॉक्टर हजरात, मैंने तीन नाम बताए थे, C5A, इंटरल्यूकिन 8 और लिकोट्राइन्स B4, कीमोटेक्टिव फैक्टर, वेरी गुड डॉक्टर ऋषभ, कीमोटेक्टिव फैक्टर फॉर न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स को क्या करते हैं, कीमोटेक्ट करते हैं, उनको बुलाते हैं, जब उनको बुलाते हैं तो फिर क्या होता है, जब न्यूट्रोफिल्स आपकी वेसल से बाहर आ जाते हैं, जब न्यूट्रोफिल्स वेसल से बाहर आ जाते हैं कहां, साइट ऑफ इंफेक्शन, कहां, तो क्या होता है वहां पर, इन्फ्लेमेशन होती है, न्यूट्रोफिल्स बाहर ही इसीलिए आते हैं कि उन्होंने क्या करनी है, इन्फ्लेमेशन करनी है, तो ये यहां पर कंप्लीमेंट सिस्टम जुड़ेगा, वहां का C5A बनेगा, वो न्यूट्रोफिल के लिए कीमोटेक्टिव फैक्टर एक्ट करेगा, न्यूट्रोफिल ब्लड वेसल से बाहर आएंगे एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन और क्या काज कराएंगे, इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन इस तरह होती है। आई होप सो दैट को समझ आ गया होगा, आ गया समझ, आसान था ना ये, है ना, मुश्किल था, ठीक है। एग्जांपल्स में देखें गुड पास्चर सिंड्रोम, ये जो डिजीज बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पैथो में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम ऊपर ऊपर से देखेंगे, ठीक है।
गुड पास्चर सिंड्रोम। अच्छा इन्फ्लेमेशन तो नॉर्मल रिस्पांस नहीं होता, ये नॉर्मल कहाँ से? देखिए इन्फ्लेमेशन लाजमी नहीं है कि हर दफा आपकी इन्फ्लेमेशन जो है नॉर्मल रिस्पांस करे, बाज दफा ये है कि इन्फ्लेमेशन की जरूरत ही नहीं है। इन्फ्लेमेशन कब होती है? जब कोई पैथोजन, आपका गया है, कोई आपको कोई पैथोजन आप इंटर हुआ है, कोई डेंजरस पैथोजन था, हमने उसको मारना है, उस पैथोजन को मारने के लिए हमारी क्या होती है? इन्फ्लेमेशन होती है। ताकि इन्फ्लेमेशन बेसिकली होती क्या है? इन्फ्लेमेशन क्या होती है? ठीक है, क्या क्या रिस्पॉन्स होता है उनका? कि आपकी ब्लड वेसल से इम्यून सेल्स का बहर आना, इम्यून सेल्स का बहर आना हर उस जगह पर जहां पे आपकी ब्लड वेसल्स हैं, वहां पर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। जहां पे आपकी ब्लड वेसल्स है वहां पर इन्फ्लेमेशन, ये इन सेल्स का बहर आना दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। और ये सेल्स बहर क्यों आते हैं? क्योंकि आपके उस टिश्यू पर कोई पैथोजन बैठा हुआ है, उस पैथोजन को किलिंग करना है हमने, उसको हमने क्या करना है? किल करना है। उस पैथोजन को मारने के लिए इम्यून सेल्स बहर आते हैं ब्लड वेसल से और उस पैथोजन को मारते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन हमारे लिए एक रिएक्शन है, नहीं मतलब अल्लाह ताला की तरफ से कि इन्फ्लेमेशन होती है तो वो मतलब कि इम्यून सेल्स बाहर आते हैं उसको मारते हैं, ठीक है। और अगर इन्फ्लेमेशन एक वक्त से बढ़ जाए तो ये फिर एक पैथोलॉजी है, ठीक है, वो फिर पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स आते हैं। अच्छा अभी हम देखते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम, गुड बल्कि ये लिखा हुआ है गुड पास्चर सिंड्रोम। गुड पास्चर सिंड्रोम में क्या होता है? गुड पास्चर सिंड्रोम में ये होता है कि आपकी जो ग्लोमेरुलस होता है, ये शक्ल ये वाली याद है किस चीज की है? नेफ्रॉन की शक्ल है। इसमें आपका ग्लोमेरुलस होता है, बोमेंस कैप्सुलर ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस किस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन का तो पता होगा सबको ना, ग्लोमेरुलस की क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ क्या बन जाती है? एंटीबॉडीज। कौन सी? IgG। एंटीबॉडीज बन जाएंगी और ये एंटीबॉडीज इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जाके इस तरह लीनियर वे में, ये चीज इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ आपको, लगेगी कि अनइम्पॉर्टेंट चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लीनियर वे में, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एमएलए की, कि जो एंटीबॉडीज जाके जुड़ती हैं वो लीनियर वे में इस तरह ये इस तरह लीनियर वे में जाके जुड़ती है इस तरह। तो लीनियर वे में जाकर IgG उसके ऊपर क्या आके बैठ जाती है फाइब्रिनोजन के जरिए। इसके ऊपर जो बेसिकली जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंटीजन होती है ना वो उसको एज ए फॉरन एंटीजन ले लेती है। ये हमारा ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स है, मतलब हाइपरसेंसिटिविटी, ऑटोइम्यून तो नहीं कह सकते, हाइपरसेंसिटिविटी रिस्पॉन्स है। तो ये IgG के Fc पोर्शन पर आपकी क्या क्या एक्टिव हो जाएगा? फिर कंप्लीमेंट सिस्टम क्या बन जाएगा? C5a। तो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर? इन्फ्लेमेशन। जब इन्फ्लेमेशन होगी यहाँ पर जो टिश्यू जितने उनके क्या हो जाएगी? डैमेज होगा। जब अल्हम्दुलिल्लाह जब टिश्यू डैमेज होंगे तो टिश्यू डैमेज की वजह से आपको क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। तो आपका यूरिनेशन होती है, आपको यूरिनेशन में क्या आ रही होती है? हेमोच्यूरिया। वेरी गुड डॉक्टर यान, आपको क्या होगा? हीमोच्यूरिया होगा। आपके जो यूरिन है उसमें क्या आ रहा होगा? ब्लड आ रहा है। चूरिया मतलब यूरिया से और हीमो मतलब आपका हीमोग्लोबिन यानी आपका RBCs ब्लड आ रहे होंगे। तो इस तरह आप जो यूरिनेशन करेंगे उसमें क्या आ रहे होंगे? ब्लड आ रहे होंगे। ये है गुड पास्चर सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है, डिटेल में हम इसको पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। यहाँ पर बस आप इतना याद कर लें कि जो आपकी ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके अगेंस्ट IgG एंटीबॉडीज बनेंगी, वो लीनियर वे में आके जुड़ेंगी और फिर C5a सीरम आएगा, न्यूट्रोफिल्स को लाएगा, तो इन्फ्लेमेशन होगी, सेलुलर डैमेज होगी, तो हीमोचोरिया यानी आपके यूरिन में क्या आएगा? ब्लड आएगा, ठीक है। हेमोप्टोसिस क्या होती है? हेमोप्टोसिस है ब्लड का आना, डॉक्टर अजान किस चीज में? हेमोप्टोसिस जी लव्स हेमोप्टाइसिस या हेमोप्टाइसिस पढ़े जो भी पढ़े ये लव्स। देखिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, उसके लंग्स हैं, ठीक है। अब उसके लंग्स में क्या होते हैं? एल्विओलाई होते हैं, होती है ना। अब यहां पर आपकी एल्विओलाई की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके खिलाफ क्या बन जाएंगी? एंटीबॉडीज। कौन सी एंटीबॉडीज? IgG। और वो लीनियर वे में आके अटैच होना शुरू हो जाएंगी, Fc पोर्शन एक्टिव, कंप्लीमेंट सिस्टम का C5a न्यूट्रोफिल्स को लेके आएगा, क्या होगी? इन्फ्लेमेशन, सेलुलर डैमेज। तो आप जो स्पिटिंग करेंगे उसमें क्या होगी? ब्लड आएगा, इसे बोलते हैं हेमोप्टोसिस बोलते हैं। समझ आ गया? तो ये भी क्या है? एक किस्म की आपकी गुड पास्चर सिंड्रोम है। ये गुड पास्चर सिंड्रोम है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि एल्विओलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ IgG बन जाएंगी और ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ IgG एंटीबॉडीज बन जाएंगी। तो उधर हीमोचोरिया होगा, इधर क्या होगा? हेमोप्टोसिस होगा। अगर पेशेंट को ये दोनों सिम्टम साथ ही आपको बताता है तो आपका शक जो है ना जाना चाहिए कि गुड पास्चर सिंड्रोम हो सकती है। लेकिन सेम वही बात के
आपने किसी एक डिजीज पर नहीं अटक जाना कि इसको सिर्फ यही होगी यही होगी यही होगी, नहीं आपने दो तीन उसकी वो लेके हिस्ट्री लेके याद रखना है कि इसको दो से तीन जितनी भी उससे रिलेटेड उसको हैं डिजीजेज वो हो सकती हैं, फिर उनमें से कंफर्म करें कि उसको कौन सी है। समझ आ गया गुड पाशियन सिंड्रोम, पक्की बात है। अच्छा नेक्स्ट है आपका रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर क्या होता है, ये इसमें 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 इसका इन्वॉल्व क्या है, ये रूमेटिक फीवर जो है ना इसमें इसका इन्वॉल्व क्या होता है। अच्छा बाज दफा ना पेशेंट को हो जाती है फ्रेंजाइटिस। क्या हो जाती है? फ्रेंजाइटिस। ये आपको आपके फ्रेंजाइटिस हो गई, फेनिक्स में इन्फ्लेमेशन हो गई। तो ये जो इन्फ्लेमेशन होती है ये होती है एक बैक्टीरिया का नाम होता है बीटा हिमोलाइटिक, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ये बड़ा सा नाम है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक, पायोजेनिक ग्रुप टू बैक्टीरिया, ठीक है। ये इस बैक्टीरिया की जैसी होती है फ्रेंजाइटिस। क्या है? बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक ग्रुप टू बैक्टीरिया, ठीक है। ये नाम याद कर ले, बीटा टू स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक ग्रुप टू बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया यहां पर है। अब हमारी बॉडी इसको एज ए एंटीजन ऑफ कोर्स लेगी। चार्जर लैपटॉप का निकाल है, डेड हो रहा है बैग, मैंने कहां पे ये रखा हुआ है बैग, इसको लगाए जरा। टेक्निशियन लाइट ऑन करना आप जरा मोबाइल की, थैंक यू। चले जी, इतना ज्यादा ना खींचे डॉक्टर, यहाँ पर लैपटॉप भी खींच जाएगा। इधर ले आओ, इधर ले आओ। चले जी, लगा दो इधर नीचे पैर। नहीं लगा, लग गया, हो रहा है। चले जी, पेशेंट को क्या थी? फ्रेंजाइटिस थी, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन ऑफ फेरिंग्स। तो उसमें क्या हुआ कि बीटा टू हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक ग्रुप टू बैक्टीरिया की वजह से हुई। अब हमारी बॉडी इसको एज ए एंटीजन लेगी और उसके खिलाफ क्या बना देगी? एंटीबॉडीज। कौन सी? IgG एंटीबॉडीज, जो जाके इस बैक्टीरिया के क्या कर देंगी? किलिंग कर देंगी। अब क्या होता है, अब जो आपका हार्ट होता है, आपके हार्ट के ऊपर जो बाज दफा जो आपकी एंटीजन आपके हार्ट में होती है वो उनकी स्ट्रक्चर सेम लाइक दैट बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक ग्रुप टू बैक्टीरिया की तरह की होती है, ठीक है। अब जो हमारी IgG बनी है वो गलती से हमारी हार्ट की जो एंटीजन है उसको समझ लेती है कि ये इसकी एंटीजन है, ये वाली एंटीजन है, वो जाके इसके ऊपर बैठ जाती है, फैब्रिन के साथ कनेक्ट हुई, Fc पोर्शन एक्टिव हुआ, C5a को बुला लिया, तो हमारे जो हार्ट में क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन। क्या हो जाती है? तो इसे बोलते हैं हम रूमेटिक फीवर बोलते हैं। समझ आ गया कि रूमेटिक फीवर क्या होती है? कि फ्रेंजाइटिस होगी और हमारी हार्ट की जो एंटीजन होगी वो सेम लाइक दैट इसी तरह होंगी, तो हमारी एंटीबॉडीज इनको एज ए हार्मफुल लेंगी और उनके खिलाफ क्या कर देंगे? इन्फ्लेमेशन। तो इस तरह में रूमेटिक फीवर हो जाता है। हाँ, ये बैक्टीरिया ही फ्रेंजाइटिस कॉज करा रहा है, उसका रोल अलग है, और जो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो क्योंकि ये मिलती जुलती एंटीजन है हार्ट की और ये वाली, तो वो इसी के खिलाफ रिएक्शन शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस तरह में रूमेटिक फीवर हो जाता है। अच्छा उसके बाद है हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। हमने कोई ट्रांसप्लांट किया तो उसमें क्या होगी? रिजेक्शन हो जाएगी। अच्छा ये मतलब कोई भी पेशेंट था, हमने कोई चीज ट्रांसप्लांट की, ठीक है, और उसको मतलब के कोई भी चीज ट्रांसप्लांट करके उसके अंदर डाली, ठीक है। अब इसमें एंटीजेंस थी, अब हमारी बॉडी क्या करेगी? जो ट्रांसप्लांट हमने चीज की है उन्हीं के खिलाफ क्या बना देगी? IgG एंटीबॉडीज। ये जाके इसी के ऊपर उसी तरीके से बैठेंगी और क्या कर देंगे? इसकी इन्फ्लेमेशन। तो इसकी क्या हो जाएगी? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। आसान से था ना ये, क्या है जरूरत समझाने की? आसान से था ना, वेरी गुड। उसके बाद एक और डिजीज होती है, बल्कि मेरे ख्याल में इसकी होगी एग्जाम्पल। उसके बाद है सेलुलर डिसफंक्शन। सेलुलर डिसफंक्शन, ये समझ आ गया? सेलुलर इन्फ्लेमेशन समझ आ गई है। चलिए इन्फ्लेमेशन की रीडिंग भी कर लेते हैं। इन्फ्लेमेशन बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज टू सेल सरफेस, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड FC रिसेप्टर मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन।
मतलब उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, आपका C5A जो है ना उसमें इन्वॉल्व होता है। आपने ये याद रखना कि गुड पासेस सिंड्रोम याद रखनी है जितना मैंने बताया डिटेल में, बाकी ये रिमेटिक फीवर ये इनकी एग्जांपल थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि ये बेसिकली होती क्या है। अच्छा, सेलुलर डिस्फंक्शन क्या होती है? सेलुलर डिस्फंक्शन इसमें पता क्या होता है, इसमें एक सेल है ठीक है, आपको पता है किसी भी सेल के ऊपर जब कोई चीज जाके एक्ट करती है तो यहाँ पर उसके रिसेप्टर को एक्ट करेगी, किसको? रिसेप्टर्स को। एक सेल के ऊपर जितने रिसेप्टर्स लगे हुए हैं उनके खिलाफ क्या बन जाएगी आपकी एंटीबॉडी बन जाएगी। लेट्स सपोज दैट IgG बन गई, IgG जाके इन रिसेप्टर्स के ऊपर जुड़ जाएगी और पीछे Fc पोर्शन एक्टिव हो जाएगा, फिर वही मैक्रोफेज या उनके जरिए आपका क्या आपके जो रिसेप्टर्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, या तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब ब्लॉक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ब्लॉक, या फिर स्टिमुलेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दो चीजें देखें, दो चीजें, या तो ब्लॉक हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे या स्टिमुलेट, या तो बिल्कुल बंद रेस्पॉन्स नहीं करेंगे या फिर हद से ज्यादा रेस्पॉन्स शो करना शुरू कर देंगे। इसे बोलते हैं सेलुलर डिसफंक्शन। एक सेल का जो फंक्शन है वो सही तरह से नहीं हो रहा, या तो उसका फंक्शन कम हो रहा है या तो फंक्शन उसका बढ़ रहा है। बेसिकली रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, या तो रिसेप्टर्स काम करना छोड़ रहे हैं या फिर रिसेप्टर्स ज्यादा काम कर रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं आपका सेलुलर डिसफंक्शन। इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले एग्जाम्पल कौन सी है, मैस्थीनिया ग्रेविस। मैस्थीनिया ग्रेविस क्या होती है, मैस्थीनिया ग्रेविस क्या होती है कि आपके मसल्स और नर्व्स के दरमियान में जो एक्शन होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो वीक हो जाता है, तो आपकी मसल वीकनेस शुरू होना शुरू हो जाती है। देखें इसमें बेसिकली क्या होता है, बेसिकली मैस्थीनिया ग्रेविस आपके जो आईलेट होते हैं ना, आंख के आईलेट, उनके ऊपर मसला होता है। ये आईलेट का आपका मसल है, इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट कब करता है, इसके ऊपर होते हैं निकोटीन रिसेप्टर्स। कौन से निकोटीन रिसेप्टर्स, किसके ऊपर, आपकी आंख की आईलेट के ऊपर कौन से रिसेप्टर होते हैं, निकोटीन रिसेप्टर्स। ऊपर से क्या आता है आपका एसिटाइलकोलाइन आता है ठीक है, एसिटाइलकोलाइन आएगा निकोटीन रिसेप्टर के जरिए इन मसल्स आईलेट्स के मसल्स को बोलेगा आपने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये एसिटाइलकोलाइन आएगा निकोटीन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगा तो आपके जो आईलेट के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरह आप अपनी पलकें झपका सकते हैं ठीक है। तो क्या होता है इसमें, क्या होगी इन्फ्लेमेशन, निकोटीन रिसेप्टर के खिलाफ क्या बन गई, IgG बन गई। अब ये IgG क्या करेगी, IgG आएगी रिसेप्टर्स के ऊपर फाइब्रिन के जरिए जुड़ जाएगी और इनका जो फंक्शन है वो कम कर देगी, ब्लॉक कर देगी, इनके फंक्शन क्या कर देगी। अब जब इनका फंक्शन ब्लॉक हो जाएगा तो एसिटाइलकोलाइन क्या निकोटीन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर पाएंगे, नहीं, ये इसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या आपका आईलेट काम करेगा, उसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो हमें आंख में ये प्रॉब्लम हो जाती है, इसे मैस्थीनियस ग्रेविस बोलते हैं। आपके आंख के जो आईलेट जो मसल्स हैं वो क्या पड़ जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं। एसिटाइलकोलाइन आपकी नर्व्स की शक्ल में आ रहे हैं, वो आपके जो हार्मोन्स होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो आपके एसिटाइलकोलाइन, वो सिनेप्सिस के जरिए जो एक्ट करते हैं वो चीज उस तरफ जाए। तो एसिटाइलकोलाइन जब ऊपर से आती है तो निकोटीन रिसेप्टर्स ब्लॉक है, तो किसकी वजह से, IgG की वजह से, तो फिर हेपेटोसिस टाइप 2 की वजह से ब्लॉक है, तो आपके आईलेट सही तरह से वर्कआउट नहीं करते ठीक है, समझ आ गई है। अच्छा, एक और दूसरी इसकी एग्जांपल है ग्रेव्स डिजीज। अब ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज में थायराइड स्टिमुलेटिंग आपका जो T3 और T4 है वो बढ़ जाते हैं, T3 और T4 बढ़ जाते हैं। इसको तो आपको पता होगा T3 और T4 का ठीक है, थायरॉक्सिन वगैरह, ये इसको आपको पता होगा, ये ब्लड में बढ़ जाते हैं। क्यों, क्या आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है, आपका थायराइड ग्लैंड, ये आपका थायराइड ग्लैंड है, लेट्स सपोज दैट आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर कौन सा हार्मोन एक्ट करता है कि वो जो है ना TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके ऊपर एक्ट करता है और इससे क्या प्रोड्यूस कराता है, T3 एंड T4। ऐसे तो एक्ट नहीं करता होगा, सेम वही चीज किसी रिसेप्टर के जरिए एक्ट करता होगा ठीक है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा किस, कहां से आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ठीक है। तो जब आता है तो रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है और रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके थायराइड ग्लैंड को बोलता है आप T3 और T4 प्रोड्यूस कर, जब उनकी नीड होती है। अब क्या होगा, अब बन गई IgG किसके अगेंस्ट, रिसेप्टर्स के अगेंस्ट। अब ये यहां पे आके इसको ब्लॉक नहीं करेंगे, क्या कर देती है, इसको यहां पे आपके ये ब्लॉक नहीं करेंगी बल्कि इसको क्या कर देंगी, ओवर एक्टिव, इसको स्टिमुलेट कर देंगी। रिसेप्टर स्टिमुलेट हो चुके हैं, ये एक बार TSH आएगा तो रिसेप्टर्स कई देर तक काम करते रहेंगे और इतना काम करते रहेंगे कि थायराइड ग्लैंड कहेंगे कि बनाते रहो T3 T4 बनाते रहो, तो क्या बन जाएगा आपका T3 T4 का लेवल क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा, इसे बोलते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म। क्या बोलते हैं? हाइपरथायरॉइडिज्म मतलब आपके जो थायराइड ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं T3 एंड T4 उनका लेवल बढ़ गया है, इसे हाइपरथायरॉइडिज्म बोलते हैं। ये भी वही कि आपकी IgG जाके इसके फंक्शन को क्या कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है। तो एक बार TSH आया तो रिसेप्टर्स कई देर तक एक्टिव रहेंगे और वो T3 और T4 प्रोड्यूस कराते रहेंगे, कहां से? थायराइड ग्लैंड से। तो इस तरह आपको क्या हो जाती है? हाइपरथायरॉइडिज्म। T3 और T4 का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ आ गई है ये बात? पक्की बात है। और इसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेव्स डिजीज। ये हम अभी ग्रेव्स डिजीज पढ़ रहे थे, ठीक है। अच्छा, तीसरी डिजीज होती है पेम्फिगस वल्गारिस। ये इसको बस इतना कर लें कि ये, क्योंकि इसका फंक्शन अभी तक इसका जो वो अभी तक वेल नोन नहीं है, नॉट फुल्ली अंडरस्टूड, अभी तक सही तरह से नहीं समझा गया इस डिजीज के बारे में। तो बस अब ये देख लें कि ये डिजीज होती किसकी वजह से है। हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 2 की एग्जांपल है, और एग्जांपल किसकी है? सेलुलर डिस्ट्रक्शन की। सेलुलर डिस्ट्रक्शन। ये भी मेस्टिनिस ग्रेव्स हमने अभी पढ़ा, ग्रेव्स डिजीज भी पढ़ा, और पेम्फिगस वल्गारिस ये भी किस एग्जाम्पल होती है? सेलुलर डिस्फंक्शन की। ये आपने एग्जाम्पल्स देख लेनी है, ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया। अच्छा, इसकी रीडिंग करते हैं। एंटीबॉडीज बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर्स, रिसेप्टर के साथ जुड़ेंगी, ठीक है, एबनॉर्मल ब्लॉक कर देंगी, और एक्टिवेशन ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, उनका प्रोसेस जो डाउन था उसको एक्टिवेट करके सुपर एक्टिवेशन कर देंगी उसकी, वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और वो चीजें ज्यादा बनाना शुरू करेगा। समझ आ गई ये चीज? समझ आ गई है? अब मेरे ख्याल में ऊपर एक चीज रह गई थी, ये वाले हमने रीडिंग नहीं की थी, इसकी रीडिंग भी कर लेते हैं। एंटीबॉडीज बाइंड टू सेल सर्फेस एंटीजेंस, ठीक है, हमने पहले कहा है, कैसे कहा है कि ये कोई भी सेल होगा जो इन्फेक्टेड होगा उसके ऊपर क्या होगी? एंटीजन, लेकिन एंटीजन फिक्स होगी और एंटीबॉडी क्या होगी? फ्री। IgG क्या होगी? फ्री। और ये आके इसके ऊपर जुड़ेगी और इसके फाइब्रोजन के जरिए पीछे इसका Fc पोर्शन क्या हो जाएगा? एक्टिव, या तो मैक्रोफेज आके जुड़ेगा या नेचुरल किलर सेल्स या फिर कंप्लीमेंट सिस्टम आके इसके ऊपर जुड़ता होता है, ठीक है। तो हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 1 में हमने देखा था वहां पर एंटीबॉडी फिक्स थी, एंटीजन क्या थी? फ्री थी, याद है, आके क्रॉस लिंकिंग होती थी इस तरह, ये इस तरह दो होती थी इस तरह, तो ये आके क्रॉस लिंकिंग करती थी कि IgE फिक्स थी, एंटीजन क्या थी? फ्री थी। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? यहां पर एंटीबॉडी फ्री है, एंटीजन क्या है? फिक्स है। वहां पर एंटीबॉडी कौन सी थी? IgE। यहां पर एंटीबॉडी कौन सी है? IgG। लेकिन यहां पर बाज दफा IgM भी होती है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट IgG होती है, ठीक है। तो ये आके जुड़ेगी, इसकी एक्टिवेशन होगी और ये सारा प्रोसेस होता है। देखिए, रीडिंग दोबारा करते हैं। एंटीबॉडीज बाइंड टू सेल सरफेस एंटीजेंस, सेलुलर डिस्ट्रक्शन होगी या फिर इन्फ्लेमेशन होगी या फिर सेलुलर डिस्फंक्शन होगा। अच्छा, ये दो टेस्ट हैं, ये इनको देख लेते हैं हम। एक डायरेक्ट कॉम टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज अटैच्ड डायरेक्टली टू द आरबीसीज सरफेस, कि जो आरबीसीज हमारे जो आरबीसीज है उनके ऊपर या तो मिथाइल डोपा ड्रग लगी है या उनके ऊपर कुछ भी ऐसी एंटीजन शो हो रही है कि उनके अगेंस्ट क्या बन गई है? एंटीबॉडीज। इसमें हम डायरेक्ट उन एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो एंटीबॉडीज हमारी आरबीसीज के सरफेस के ऊपर लगी हुई है वो एंटीबॉडी की कौन सी टाइप है, वो कौन सी एंटीजन के खिलाफ बनी हुई है, तो इसे डायरेक्ट कॉम टेस्ट बोलते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट, इसमें क्या होता है कि डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ अनबाउंड एंटीबॉडीज। इसमें क्या थी? एंटीबॉडीज आरबीसीज के ऊपर जाके, देखे ये आरबीसीज थे, इसके ऊपर क्या लगी होती है? एंटीजन। ये एंटीबॉडी IgG जाके इसके साथ कनेक्ट है, जुड़ी हुई है, अटैच्ड है। अब जो अटैच्ड एंटीबॉडीज को पहचाने का टेस्ट, उसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट। और जो दूसरी एंटीबॉडीज IgG बन तो चुकी है इसके खिलाफ, लेकिन अभी इसके ऊपर जाके जुड़ी नहीं है, ये सीरम में पड़ी हुई है। कहां पड़ी हुई है? ब्लड सीरम में पड़ी हुई है। तो तब तक इनको जो इन एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करेगा उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। तो ये दो चीजें, ठीक है, कि आरबीसीज के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी हुई है अगर जुड़ी हुई को करेगा तो वो कौन सा होगा? डायरेक्ट कॉम टेस्ट। अगर जो अनबाउंड है एंटीबॉडीज इन द सीरम जो कि बाउंड नहीं है इसके साथ, उनको जो करेगा वो कौन सा होता है? इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट होता है। तो आई होप सो दैट कि आपको टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी समझ आ गई होगी। तो ये देखिए वही चीज है कि सरफेस एंटीजन है, एबनॉर्मल सेल है, इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है, उसके ऊपर सरफेस एंटीजन आके लगी है। इस सरफेस एंटीजन को Fc रिसेप्टर्स फॉर IgG फाइब्रोजन के जरिए यहाँ पे जुड़े हैं, फाइब्रोजन के जरिए, और ये Fc पोर्शन उसका यहाँ पर क्या जुड़ा है? नेचुरल किलर सेल। और नेचुरल किलर सेल किसके जरिए जुड़ता है? CD16 के जरिए। फिर ये देखिए आप, ये परफोरेंस और ग्रैंड एंजाइम सीक्रेट कर रहा है जो इसके अंदर जाके इसे क्या कर देते हैं? किलिंग। तो ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेरोटॉक्सिसिटी है, किलिंग तो हो रही है तो सेरोटॉक्सिसिटी है। एंटीबॉडी डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये एंटीबॉडी इन्वॉल्व हो रही है। एंटीबॉडी होगी तो किलिंग होगी, एंटीबॉडी नहीं होगी तो किलिंग नहीं होगी।
आई होप सो दैट कि टाइप टू हाइपरसेंसिटिविटी समझ आ गई होगी। टाइप वन आसान थी कि टाइप टू आसान है? टाइप टू आसान थी, टाइप वन थोड़ा डिफिकल्ट थी। ठीक है, कोई क्वेश्चन आप लोगों का? डॉक्टर जान, डॉक्टर जुबैर, डॉक्टर मुस्तफ़ा, डॉक्टर जवेरिया, डॉक्टर ईशा, आपका कोई क्वेश्चन? सब कुछ क्लियर है? चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।